गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेस आवर टॉपिक इज इंटीग्रल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास प्लस टू। जैसे हमने पहले कर चुके, हम फिफ्थ चैप्टर किया था हमने डेरिवेटिव, उसके बाद है सिक्स्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये क्या है, सेवन्थ चैप्टर है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल्स। उसके बाद हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अगर आपको फिफ्थ चैप्टर अच्छे से आता है तो ही सिक्स्थ कर सकते हो, अगर फिफ्थ और सिक्स्थ आते हैं तो ही अच्छे से आप सेवन्थ चैप्टर कर सकते हो, बिकॉज इट इज टोटली इनवर्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद हमने करना है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे एट चैप्टर। उसके बाद नाइन चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो ये पांचों चैप्टर फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, है ना, ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है और काफी ज्यादा उसमें प्लस टू में काफी पोर्शन कवर करते हैं फाइनल एग्जाम में, है ना, एंड ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का कवर करते हैं, है ना, ये पांचों चैप्टर। कैलकुलस जिसको हमारे यूनिट का है, कैलकुलस है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये रिवाइज करा दूं। हमने पहले क्या पढ़ा था, डीवाई बाई डी एक्स, है ना। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज आने से वाई में क्या चेंज आता है ना। इसको हम ये भी कहते थे, ये स्लोप भी होता था ना, क्या होता था, स्लोप। कहां पे स्लोप, जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ते हैं इसका, तो क्या है, मान लो यहां पे एक कर्व है, ये इसका क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट पे कट करके निकल जाए ना, तो इस कर्व के सारे हम इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप। और वो स्लोप को क्या कहते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम स्लोप को ऐसे भी कहते हैं। अगर ये आगे जा रहा है, इसके साथ ये क्या एंगल बनाएगा, वो टेन वैल्यू। अगर थीटा एंगल बना रहा है तो क्या होता है, टेन थीटा। ये भी स्लोप ऑफ द कर्व देता है हमें, और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन ही होती है ना, जो हमने पढ़ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो हम उसका क्या करते थे, एफ डैश निकाल देते थे, है ना, एफ डैश। तो ये होता था डेरिवेटिव, ये क्या होता था, डेरिवेटिव, है ना, इसको। और इस प्रोसेस को जो एफ के एफ से हम एफ डैश कर देते थे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, मान लो एफ डैश है, अब हमारे पास क्या है, एफ डैश। हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्या निकालना है, एफ। इसे ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और प्रीमिटिव भी कहते हैं, प्रीमिटिव, इसको प्रीमिटिव कहते हैं, इंटीग्रल भी कह देते हैं। अब एफ डैश हमारे पास होगा, है मान लो, और हमने क्या निकालना है, एफ। ये है एंटी डेरिवेटिव, मतलब एंटी डेरिवेटिव का मतलब है टोटली इनवर्स प्रोसेस। क्या है, इनवर्स प्रोसेस, जब डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। और एफ डैश है एंटी डेरिवेटिव, इसे कहते हैं क्या, प्रीमिटिव, है ना। जैसे यहां पे क्या था, एफ था हमारे पास, डेरिवेटिव निकालना था इसका, तो एफ डैश इसका क्या था, डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन। अब एफ डैश हमारे पास होगा, क्या हम ऐसा कोई, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे पास एफ फंक्शन आ जाए कि ये डेरिवेटिव किसका है, एफ डैश है ना यहाँ पे, ये डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है, कौन से फंक्शन का है, मुझे वो फंक्शन ढूंढना है, मुझे वो फंक्शन निकालना है। इसे ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। किस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से, जिस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। और ये होती है हमारे पास इनडेफिनेट, इस सारे प्रोसेस को, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सबको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल, है ना। अगेन एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ये हम बात करेंगे आगे आगे, है ना, इन दोनों की। अब यहां पे मैं आपको पहले ये बता दूं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में, है ना, फिर मैं वो एंटी प्रोसेस कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, है ना, ऐसे साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का। अब यहां पे मान लो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ऐसे होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड, जिसको करना होता है ना, जिसका निकालना होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड, ठीक है, इंटीग्रेंड। ये क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल।
इस पूर्वी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है। अब ये प्रोसेस क्या है, जैसे देखो मान लो यहां पे मैंने लिखा एक्स क्यूब है ना, इसका मैंने निकाला डेरिवेटिव, इसका क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, आप क्या करोगे, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री आगे आ जाएगा एक्स की पावर, मतलब अगर हम यहाँ पे जनरल बात करें एक्स की पावर एन है तो ये क्या होता है एन, एन आ गया आता है, इसकी पावर क्या होती है एन माइनस वन, ये हम इसके ऐसे डेरिवेटिव करते हैं इसका, इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव, है ना, पावर पावर आगे आ जाती है और पावर में से वन क्या हो जाता है माइनस, ठीक है, और ये ऐसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब है तो थ्री आगे आ गया एक्स स्क्वायर, एक पावर कम होगी, ऐसे तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन कैसे होती है, जनरल फॉर्मूला भी मैंने एंटी प्रोसेस बताना आपको ना, अगर मान लो यहां पे क्या है, सपोज एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है स्क्वायर इनटू क्या है डीएक्स, इसका इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रल, क्या है इसका मतलब इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्या करते हैं हम, देखो इधर सुनो, इसमें पावर वन प्लस कर देते हैं, एक्स की पावर टू है तो क्या कर दोगे टू प्लस वन, और डिवाइड कर दोगे जो यहां पे पावर बन रही है, टू प्लस वन कितना था, टू प्लस वन यहां पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये इसकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसका फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो एक्स की पावर क्या है एन और यहां पे क्या है डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसके बाद अगर मैं उसकी बात करूंगा, यहां पे सी भी होता है ना कॉन्स्टेंट, वो सारा हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं एंटी प्रोसेस के बारे में बता दूं, इसलिए मैंने आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता दिया इसका इंटीग्रेशन का, कि मतलब क्या होता है इसका, इसकी पावर अगर एन है ना, इसकी एक्स की पावर क्या है एन, तो क्या करते हैं हम जनरल सीधा इसकी पावर एक बढ़ा देते हैं एन प्लस वन हो जाएगा, और जो पावर बढ़ने के बाद पावर आएगी एक्स की वो नीचे आ जाएगी एन प्लस वन प्लस सी। ये सी क्यों आता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला, इसे क्या कहते हैं इंटीग्रेंड, इसको क्या कहते हैं वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, है ना। अब देखो अगर मैं ये एंटी प्रोसेस कैसे है, मैंने वो बताना था आपको थोड़ा सा ना, एंटी प्रोसेस कैसे है, एंटी प्रोसेस कैसे है। अब ये सुनो, अब मैंने इसका करना था इंटीग्रेशन, मान लो यहां पे क्या है एक्स क्यूब इंटू डीएक्स है, क्या है एक्स क्यूब इंटू डीएक्स, आप लोग मैंने भी क्या फॉर्मूला बताया कि इसका क्या कर दो एक पावर बढ़ा दो एक्स की पावर फोर अपॉन क्या आएगा फोर प्लस सी जो आएगा वो देखेंगे, है ना। सी का मतलब यहां पे क्या है कॉन्स्टेंट, है ना। अब ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ये चीज इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन होगी, है ना। अब एंटी प्रोसेस कैसे है, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये क्या है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है इसका। अब इसका जो ये इसका क्या है, इसका क्या संबंध है, ये एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, हम इसे कहते हैं ना एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टा एंटी प्रोसेस, एंटी डेरिवेटिव इसको कहेंगे, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, ये इसका क्या है एंटी डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि ये इसका क्या है डेरिवेटिव है, ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। देखो पहले ध्यान से सुनो, ये कह रहा है ये एक्स फोर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस, ये क्या कहता है, कह रहा भाई मैं तेरा इंटीग्रेशन हूं, ये इसको कह रहा है, कह रहा मैं तेरा क्या हूं इंटीग्रेशन हूं, ये कहता भाई मैं भी तेरा डेरिवेटिव हूं, मैं तेरा क्या हूं डेरिवेटिव, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। सुनो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालू, इसका इस चीज का क्या निकालू डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा फोर आगे आ जाएगी पावर फोर एक्स क्यूब, है ना, फोर एक्स क्यूब अपॉन क्या है फोर, अपॉन क्या है फोर प्लस सी, सी क्या है कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा जीरो, फोर के हाफ फोर क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या रह गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब यही तो था इधर, यही था ना इधर एक्स क्यूब डीएक्स, तो ये हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। ये सिंपल सा एक मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बताया, कि बहुत कुछ करना है फिर दोबारा सुन लो, ये कहता है कि मैं तेरा भाई इंटीग्रेशन हूं, और ये कहता मैं तेरा डेरिवेटिव हूं, ठीक है। तो ये आप इसको अपने मन में जैसे मर्जी आप सेटअप कर लो, आपने करना है कि क्या होता है ये, मतलब अगर ये इसका जो मतलब जो जो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, यो ये वाला ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, और ये इसका क्या होगा, ये कह रहा है ना, कह रहा भैया ये देखो
मैं ये कह रहा है मैं तेरा इंटीग्रेशन हूं, ये कह रहा है मैं तेरा इंटीग्रेशन, और ये कहता है मैं तेरा डेरिवेटिव हूं, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा, है ना। ये था अपना प्रोसेसर, वही जो मैंने आपको कहा था कि एफ डैश है मेरे पास, और मुझे क्या निकालना है, एफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है एफ। अब ये क्या था एफ डैश, ये मैंने बोला ना, ये क्या है एफ डैश है, ये किसका एफ डैश है, वही निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। देखो ना ये एफ डैश है, ये क्या था एफ डैश ही तो था, ये क्या तो रहा हूं मैं, ये इसका क्या है डेरिवेटिव, ये इसका क्या है डेरिवेटिव, और यही तो मैंने निकाला आपको, ये क्या है एफ डैश, और मुझे क्या निकालना है एफ, और ये क्या आ गया फंक्शन आ गया, ये क्या किया मैंने इंटीग्रेशन, ये क्या किया मैंने इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को, इसकी प्रोसेस को तो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, और ये क्या है एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए ये एंटी प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे सी की, सी क्या है, सी क्या है। नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज सी, है ना। मान लो लेट लेट यहां पे एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x, है ना, क्या है 2x, इसका हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम यहां पे क्या लिख दूंगा 2x इंटू dx, है ना, ये है। अब हमने ये देखना है कि यहां पे है ना, ये एफ डैश एक्स है, ये क्या है एफ डैश एक्स, जैसे हमने बोला कि ये क्या होता है, मान लो एफ डैश एक्स है ना, ये किसका एफ डैश, हमें क्या निकालना है एफ निकालना है ना, क्या निकालना है यहां पे एफ। अब ये किसी ना किसी का तो क्या होगा डेरिवेटिव होगा, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि ये कहता है ना यहां पे जो आंसर आएगा ये उसका क्या होता है डेरिवेटिव, और वो जो आंसर आएगा वो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, हमें ये देखना है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, देखो जो टू तो ये क्या है कॉन्स्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये सुन लो, अगर के एफ एक्स है ना, तो के बाहर आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है ये एफ एक्स, है ना, के कॉन्स्टेंट मतलब जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे टू बाहर आ गया, मान लो यहाँ पे क्या है एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब इसका जो डेरिवेट इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो आएगा इसका क्या करेंगे हम, टू ये एक्स की पावर क्या आ जाएगी, टू वन है, वन प्लस वन टू, अपॉन क्या आ जाएगा टू, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा सी। वैसे ये टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे हम डिटेल में करेंगे, टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू इसके साथ ऐसे होता है जैसे, है ना, ऐसे। अब टू उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू सी, टू सी को हम सी ही लिखते हैं, कॉन्स्टेंट ही लिख देते हैं, है ना। टू सी को क्या लिखोगे, सी का मतलब क्या है कॉन्स्टेंट, टू सी का मतलब भी क्या है कॉन्स्टेंट, या तो उसको हम दोबारा सी लिख देते हैं, है ना। तो ये इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, ये है टू उसके साथ भी आ रहा है, तो टू क्या आ रहा है वो सी आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब ये सी क्यों लिखा हमने, है ना, क्यों लिखा, देखो इधर। अब मान लो यहां पे मैंने ये देखना है ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है। अब एक बच्चे ने बता दिया, वैसे जनरल बता दिया, सर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स प्लस वन प्लस जीरो आएगा, मतलब यही आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। फिर किसी ने बच्चे ने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स टू का कौन डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर किसी बच्चे ने कह दिया ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है जी, जब एक्स स्क्वायर माइनस टू है इसका डेरिवेटिव भी टू एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, टू एक्स ही आएगा। हमने यही तो निकालना होता है कि ये इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें ये देखना है ये डेरिवेटिव किसका है, ये डेरिवेटिव किसका है। अब अगर मैं आपको ये कहते हैं ना ये एफ डैश है और हमें क्या निकालना है एफ निकालना है, अब एफ ये ले या ये ले या ये ले या ये ले, है ना, अब एफ क्या ले, तो इसीलिए हम वहां पे क्या लिख देते हैं कांस्टेंट लिख देते हैं कि यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा। ये भी हो सकता है ये जीरो आ जाए, है ना, ये क्या आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो रहा हो, कांस्टेंट जीरो रहा हो, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी, एक्स स्क्वायर माइनस टू भी, क्योंकि इन सबका डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे ये क्या होंगे, ये सारे इसके इंटीग्रेशन होंगे, इंटीग्रेशन तो एक ही होगा, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं सी लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कांस्टेंट भी हो सकता है उसके साथ कोई कांस्टेंट रहा हो, है ना। अब इसका एक मैं छोटा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही बताऊंगा आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इनका क्या बना दू ग्राफ। अब देखो सबसे पहले मैंने इसका ग्राफ बनाया, मान लो ये सारे क्या है सपोज वाई, ये फंक्शन आया ना, ये क्या है पहले वाई इज इक्वल टू दिस, पहले वाई इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर, ये वाला
फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इट कैन बी लाइक दिस, है ना। ये फंक्शन आया ना, फंक्शन को हम क्या लिखते हैं भाई, अब इसका अगर मैं ये ग्राफ बना दूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, वाई एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, तो ये आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये वैसे प्लस वन में हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, पैराबोला होता है। ये क्या होता है, पैराबोला। मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि वाई कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वाई कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। फिर अगर ये लूंगा मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये वन से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ, है ना। ये उसके बाद मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू से स्टार्ट होगा, ऐसे, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे। अगर वाई इक्वल टू माइनस वन करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा कुछ, y इज इक्वल टू माइनस टू का वाला करोगे तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ऐसे, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब मैंने यहां पे एक लाइन ले ली पैरेलल टू x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a एक लाइन ली, जो लाइन इसके क्या होगी, y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ना। अब देखो मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं, c का भी इसमें आ जाएगा ना, सी क्यों लेते हैं, सुनो। अब ये इसको इस पॉइंट पे कट रही है, इसको इस पॉइंट पे काट रही है, इसको इस पॉइंट पे काट रही है, इसको इस पॉइंट पे, इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, ये। अब सुनो ध्यान से, अब ये क्या होता है, ये देखो, ये फंक्शन कौन सा था, मान लो y इज इक्वल टू, ये मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये ऐसे ऐसे चल रहा है ना। ये एक लाइन ले ली x इज इक्वल टू ए है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट हम ऐसे बना देंगे ना, ये टेंजेंट हम ऐसे बना देंगे, ये। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट ऐसे आ जाएगा ना, ये। फिर एक यहाँ पे टेंजेंट होगा, वो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे टेंजेंट होगा, एक ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे टेंजेंट आ जाएगा। अब ये देखो, ये सारे क्या है, टेंजेंट्स है, इनका स्लोप क्या है, इनका स्लोप, इनका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या आएगा, dy by dx क्या आएगा, dy by dx is equal to क्या आएगा, 2x। सबका देखो, इन सबका, इन सब फंक्शन का स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, 2x आएगा बेटा, यहाँ पे सबका स्लोप क्या आएगा, 2x। जब दो लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, when slopes are equal, अगर स्लोप्स इक्वल है तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब l1 लाइन इज पैरेलल टू l2। और अगर स्लोप्स इक्वल आ गया, अब इनके स्लोप्स क्या है, इक्वल है, स्लोप्स क्या है, देखो इक्वल है, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, इन सब का क्या है, पैरेलल, सबके स्लोप्स क्या है, इक्वल। तो लेकिन फंक्शन दो अलग अलग आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, लेकिन फिर भी स्लोप्स क्या है इनके, स्लोप्स तो इक्वल है। अब स्लोप्स इक्वल है तो लाइन्स क्या है, ये दीज लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल, दीज लाइन्स आर पैरेलल, लेकिन इन सबका स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लाइन्स क्या है, पैरेलल है, इस लाइंस क्या आ गई, पैरेलल, लाइंस पैरेलल आ गई तो स्लोप्स क्या है, इक्वल। पैरेलल आने का कारण ही है क्योंकि उसके स्लोप्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, स्लोप्स इक्वल है, लाइंस क्या है, पैरेलल, और इन सबका स्लोप इक्वल है तो मतलब फंक्शन क्या है, इन सबका डेरिवेटिव क्या है, सेम है, डेरिवेटिव क्या है, सेम। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं कि कोई ना कोई हो सकता है वहां पे, अब ये कर्व है या ये कर्व है या ये कर्व है, इन सबका डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है, डेरिवेटिव इक्वल है, तो वहां पे यहाँ पे कोई ना कोई वन भी हो सकता है, टू हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, उस कॉन्स्टेंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं वहां पे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि ये डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव इसका है या इसका है या इसका है या इसका है, है ना। तो ये था हमारा इसका सी का भी, सी क्यों लिखते हैं, है ना। आगे हम पर्टिकुलर केस करेंगे, आगे जाके वहां पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाया करेगा ये कौन सा है, इनमें से इसका डेरिवेटिव है या इसका है या इसका है, एग्जैक्ट सी की वैल्यू हम पर्टिकुलर वैल्यू निकाला करेंगे आगे, है ना, आगे जाके। तो ये था हमारा मतलब इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका, किसका, इंटीग्रेशन का, है ना। तो आगे करते हैं हम अब कुछ इंटीग्रेशन। एक और बात, यहां पे सी जो होता है ना, ये हम कुछ भी लिखते हैं, एफ एक्स प्लस सी, सी का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये है तो कांस्टेंट ही, और जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, है ना, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। सी मतलब इट बिहेव्स एज लाइक वेरिएबल बट है क्या, कॉन्स्टेंट है, जैसे मैंने बोला था ना
क्या आया था हमारा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये भी क्या है कॉन्स्टेंट है, इन सबको क्या बोलेंगे हम सी बोलेंगे। इट कैन बी वन टू थ्री, इसकी वैल्यू भी वेरी कर सकती है ना, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है इसको हम क्या बोलते थे ऐसे सी को, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब कुछ फिक्स हमें याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिला इंटीग्रेशन में है ना, लेकिन हम साथ साथ करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, उससे पहले जो भी फॉर्मूले होंगे वो तब करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले कुछ 10 का फॉर्मूले हैं जो आपको पहले लर्न करने पड़ेंगे, और लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे भी बताता हूँ ना आपको, जैसे मैंने बोला ये है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स रे पावर एन का निकालूंगा, एक्स रे पावर एन इंटू डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स रे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है प्लस सी। अब देखो ना इसका अगर डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव, इसका क्या करोगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा देखो एन प्लस वन आगे आ जाएगा, एन प्लस वन एक्स की पावर क्या आ जाएगी एन प्लस वन माइनस वन अपॉन, इसके क्या था ये कांस्टेंट था एन प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया माइनस वन के साथ माइनस वन कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर क्या रहेगी एन, तो मतलब यही आ गया ना, तो ये इसका क्या था देखो फिर वही बात आ जाती है, ये क्या था एफ डैश एक्स, ये हमें सिर्फ ये ढूंढना था ये एफ डैश किसका था, ये एफ डैश किसका है, क्योंकि इसका अगर मैं डेरिवेटिव किया, मैंने आपके सामने डेरिवेटिव किया तो ये क्या आया एक्स एन, तो इसका डेरिवेटिव ये था एक्स एन, तो मतलब वही हो गया ये इसका क्या है डेरिवेटिव है ना, और ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, इसीलिए एंटी प्रोसेस होती है। तो अब हमने फॉर्मूला पहला तो यही याद करना था ना, ये वाला जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ना, उसके बाद क्या है, मान लो यहां पर मैंने सेकंड लिखा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होगा देखो इसको आपको पता है साइन एक्स डेरिवेटिव किसका होता है कॉस एक्स का, लेकिन अब आप में से कई बच्चे कहते हैं सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो अब यहां पे मुझे देखो इसका डेरिवेटिव इस चीज का डेरिवेटिव साइन एक्स आ गई, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा देखो ना इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां पे माइनस है नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे ऑलरेडी पहली माइनस लगा दूं माइनस पहली आ जाएगा, तो एक ये माइनस बाहर है माइनस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये याद रखना कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है माइनस साइन एक्स है ना कॉस एक्स का, लेकिन अब यहां पे वो माइनस हटाने के लिए आप समझिए ये है ना, तो इसीलिए मैंने यहां पे लगा दिया माइनस, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब तीसरे नंबर पे कॉस एक्स का यहां पे क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या होगा साइन एक्स प्लस सी है ना, वो कॉस एक्स का क्या होगा कॉस एक्स का ये किसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का सिंपल, तो ये हो गया ना। उसके बाद sec स्क्वायर एक्स वाला लिखो आप sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये किसका डेरिवेटिव होता है tan x का, तो यहां पे क्या आ गया tan x प्लस सी, देखो tan x का डेरिवेटिव होता है ना हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया ये वाला डेरिवेटिव्स, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, हमें यही तो ढूंढना है ये डेरिवेटिव किसका है tan x का, तो tan x इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन आगे ऐसी कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक किसका होता है कोसेक किसका होता है माइनस कॉट का, अब माइनस कॉट का नहीं होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स का, ये डेरिवेटिव कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पे प्लस है तो मैंने इसके आगे वही ये वाला यहां पे क्या लगा दिया माइनस है ना। अब देखो अब ये हमने पढ़ा था इसका sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है बेटा ये sec x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया sec x प्लस सी, sec x प्लस सी ये हो गई। अब सात देखो इधर सेवन है ना, सेवन था कौन सा करोगे सेवन करोगे आप cosec x वाला देख लेते हैं cosec x इंटू cot x, ये किसका डेरिवेटिव होता है ये होता है कोसेक का ना, ये किसका होता है कोसेक का, लेकिन यहां पे मैं क्या लगा दूंगा माइनस कोसेक एक्स, क्यों कोसेक एक्स प्लस सी जरूर लगाना चाहूंगा ना कोसेक एक्स प्लस सी। अब कोसेक का अकेले कोसेक का क्या होता है
कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स, लेकिन यहाँ पे वही देखो बिल्कुल माइनस वाला ना, ये वाला माइनस वाला उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, आप ध्यान से देखो वो उल्टा कर रहे हैं बस ना, तो ये लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स है ना इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आगे अगर यहाँ पे क्या हो वन अपॉन एक्स, ये आपको समझ लगी होगी, हम बहुत बार के हमने बहुत बार यूज किया वन अपॉन एक्स, किसका डेरिवेटिव था लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। अब नाइन एक ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स का, ई रेज पावर एक्स का ही होता है ना प्लस सी। अब ए रेज पावर एक्स का है ना, ए रेज पावर एक्स मतलब कॉन्स्टेंट की पावर एक्स, तो ये क्या होता है देखो अभी आओगे इसका वैसे ये किसका डेरिवेटिव होता है ना, किसका डेरिवेटिव होगा अब ये देखो ये यहां पे कर देंगे हम ए रेज पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। क्यों क्यों इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका, देखो ए रेज पावर एक्स का क्या होता है ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव का ए रेज पावर एक्स इंटू लॉग ए है ना, नीचे इसके क्या लगा रखा है मैंने लॉग ए, तो लॉग ए के साथ लॉग ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए रेज पावर एक्स आ जाएगा ना, इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा ना ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए रेज पावर एक्स लॉग ए, और नीचे इसके देखो कॉन्स्टेंट है, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ आपको इसका, तो वन अपॉन लॉग ए तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट था, और ए रेज पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए ना लॉग ए कट गया तो क्या रहेगा ए रेज पावर एक्स, तो ये किसका डेरिवेटिव है इसका ए रेज पावर एक्स अपॉन लॉग ए का, तो ये इसका क्या बन गया इंटीग्रेशन। अब देखो अब चलो अभी तक तो हमने यही करने है ना, अब 7.12 एक्सरसाइज में यही है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे जैसे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर यहाँ पे क्या आ जाए sec x आ जाए है ना tan x आ जाए, मान लो क्या आ जाए tan x, tan x का क्या होगा log cos x होगा है ना, तो ये हम करेंगे सारे आगे बहुत सारे हैं, अभी आप फिलहाल स्टार्टिंग में इतने फॉर्मूले याद करो, दोबारा से फिर देखो एक बार इसको नोटबुक पे नोट डाउन करो और इसको लर्न करो, और इससे आपका डेरिवेटिव भी स्ट्रांग होएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है, इसका डेरिवेटिव यही होता है, इसका डेरिवेटिव यही होता है, ये इसका क्या है इसका इंटीग्रेशन है, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है डेरिवेटिव है ना, ये इसका क्या है डेरिवेटिव। अरे भाई भेद बात होगी, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई है ना, तू मेरा इंटीग्रेशन मैं तेरा डेरिवेटिव, वही इनमें संबंध है, इसलिए एंटी प्रोसेस कहते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने सारे लर्न करने हैं और ध्यान से इसकी सारी वो देखो, बाकी कुछ नहीं है, अगर डेरिवेटिव आपको अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, और मैंने पहले ही बोला है लगभग 35 मार्क्स कवर करता है, कौन सा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब फिफ्थ चैप्टर डेरिवेटिव, सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सेवंथ इंटीग्रेशन, एट्थ चैप्टर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, एंड नाइन्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो नाइन्थ चैप्टर में दोनों का कॉम्बिनेशन है डेरिवेटिव एज वेल एज इंटीग्रेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो बेटा आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी बाय गिविंग कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।